नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और चुनावों की महाकवरेज में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। नमस्कार, मैं हूं नीलू। और लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान शुरू होने में बस कुछ ही समय बाकी है। आज उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता 100 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला करने वाले हैं। इस चरण में मुलायम परिवार के 3 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। तो मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से आदित्य यादव और साथ ही फिरोजाबाद से अक्षय यादव की सीट पर आज ही वोटिंग होनी है। यानी कि यादव परिवार के ज्यादातर सदस्य जहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सीटों पर आज ही मतदान होगा। अगर इन 10 सीटों की बात कर ले तो 2019 में 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा था। इसके अलावा संभल और साथ ही मैनपुरी, ये 2 सीटें ऐसी थी जहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। संभल से शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा अगर बात कर ले मैनपुरी सीट की तो डिंपल यादव ने यहां से जीत दर्ज की थी और अब आज उन्हीं 10 सीटों पर एक बार फिर से मतदान होना है। तो तैयारियां सारी पूरी कर ली गई हैं और पोलिंग पार्टियां पहुंच चुकी हैं, तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। बस अब कुछ ही देर बाकी है जिसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं, साथ ही हर एक सीट पर हमारे रिपोर्टर इस वक्त मौजूद है। ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। तो 10 सीट, 100 कैंडिडेट और आज तीसरे चरण का मतदान, तैयारी पूरी कर ली गई है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तीसरे चरण के मतदान में आज कई जो मंत्री हैं योगी सरकार के, वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मुलायम परिवार की बात की जाए तो डिंपल, अक्षय और आदित्य, ये तीनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अलग अलग सीटों से। हालांकि ये जो पूरा इलाका है मैनपुरी, एटा का, इसके अलावा बदायूं, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, का फिरोजाबाद, और ये सब चीज़ों से ये लगता है कि यहाँ पर एसपी का दबदबा है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें ही समाजवादी पार्टी निकाल पाई थी, बाकी 8 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में गई थी। एक बार फिर से बीजेपी वही प्रदर्शन दोहराएगी जब 4 जून को मतगणना होगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए मैनपुरी से प्रशांत कुमार, संभल से सुनील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मैनपुरी चलते हैं प्रशांत के पास। प्रशांत, अगर मैनपुरी की बात की जाए तो यहां से जो मुलायम परिवार है या एसपी है कभी नहीं हारी है, और ऐसे कंडीशन में जबकि लगता था कि मोदी की लहर है और योगी की लहर है, तब भी मैनपुरी सीट कभी भी समाजवादी पार्टी के हाथ से नहीं निकली। तो किस तरह की यहां पर फाइट, क्योंकि यहां से खड़ी है डिंपल यादव। बिल्कुल, देखिए मैनपुरी में फाइट अब की बार बेहद टाइट है। मुलायम परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो वहीं डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। आप यह देख सकती हैं मेरे पीछे पोलिंग सेंटर है और कुछ ही देर में यहाँ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर अपने सांसद को चुनने आएंगे। आज यह मतदान होना है और तीसरे चरण का मतदान है, जबकि जो मतदाता हैं वो सुबह से ही मतदान करने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में बस 7 बजने वाले हैं और वह पहला मतदान करने की यहाँ होड़ लगी है। हमारे साथ एक मतदाता भी मौजूद है, वो पहला वोट करने के लिए बेहद बेताब है और पहला वोट करने के लिए यहाँ मतदान। प्रशांत, आप किस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं वो बताइए और मतदाताओं से भी बात जरूर करिएगा जो वहाँ पर सुबह सुबह पहुँच गए हैं अपने मतदान करने के लिए। बिल्कुल, ये देखिए मैनपुरी का कुचेला बूथ है और यहाँ मतदान करने के लिए जो मतदाता है ये आए हैं। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रताप सिंह। अच्छा, ये अपना पर्ची दिखाइए। अच्छा, ये पहला वोट करने के लिए आए हैं? जी सर। अच्छा, लोग कितने बेताब है वोट करने के लिए? बहुत बेताब है सर। तो ये सूर्य प्रताप सिंह थे, ये अपना वोट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर अपनी सरकार को चुनेंगे और आप यह देख सकती है जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली है, कुछ ही देर में मतदान शुरू हो जाएगा। और यहां कुल 17,87,147 मतदाता अपने सांसद का भाग्य तय करेंगे। साथ ही जो सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है, पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा रहेगा, जबकि मैनपुरी सीट पर सन 1996 से लेकर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और लगातार
जो समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा है वो इस सीट पर दांव पर लगी है। डिंपल यादव यहाँ के चुनावी मैदान में है और लगातार जो